इंसान नहीं समझ रहे। लोग ये समझ बैठे हैं हमने इनको अपना नेता क्या चुना, हमने इनको अपनी बागडोर क्या सौंपी, हमने इनको अपना अपना मसीहा क्या बनाया कि ये हमको बिल्कुल मूक बधिर मान करके चले, कि ये बिल्कुल पागल है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि जिनको ये पागल समझ रहे हैं ये वो कौम है जो कभी राजा हुआ करती थी, जो कभी जमींदार हुआ करते थे, जमींदार रहा करते थे, अपने दरबार चलाया करते थे, पूरावर भारोर रिद्धनी आप डायनी आप लोगों की जमींदारियां रजवाड़े रहे। और जब रजवाड़े रहा करते थे, जब हमारे पुरखे अपने दरबार चलाया करते थे, तो आज जो हम पर गुलामी कर रहे, हम पर जो हमें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं या गुलाम बनाकर रख रहे हैं, उन लोगों की हमारे पुरखों के दरबार में चौकीदार की हैसियत नहीं थी। बोलो भाई बात ये, हमको ये बात समझनी है कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी कोई भी व्यक्ति वृक्ष कबो नहीं फल बखे, नदी ने संचय नील और परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। हम आज कोई अगर हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के खाने के लिए आम आम नहीं है, तो आज हम आम का पेड़ लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि हमारे बच्चे दूसरों के आम के पेड़ों के पास ना आए। वो आम का पेड़ जो आज हम लगा रहे हैं, हमें मालूम है कि ये आम का पेड़ जब तक फल देने के लिए होगा तब तक हम नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम आम का पेड़ लगाते हैं। आज हम लोगों की वही स्थिति है। हम अगर ये सोच लें कि मेरी तो अब 58 साल की उम्र हो गई, हमें अब क्या जरूरत है, हमें ना नौकरी की जरूरत है, ना असलाह की जरूरत है, ना ठेकेदारी की जरूरत है, अगर हम ये सोच लें तो फिर ये अभियान कौन चलाएगा। अगर ये सोचा होता सुभाष चंद्र बोस ने, अगर ये सोचा होता चंद्रशेखर आजाद ने, अगर ये सोचा होता महाराणा प्रताप ने, अगर ये सोचा होता छत्रपति शिवाजी ने, अगर ये सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने सोचा होता, तो आज ये देश आजाद नहीं होता।